डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस सवाल में हमसे पूछा है कि 7/6, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 इनमें निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। इसमें से हमसे सबसे छोटी जो है वो बताना है कि इसमें से कौन सबसे छोटी है। तो ऐसे सवालों को हल करने का सबसे सही तरीका रहता है कि हम इसको दशमलव में बदल लें। तो 7/6 अगर ये संख्या छोटी है तो दशमलव में बदलना आसान होगा। तो इसको हम अगर दशमलव में बदले तो ये बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, ये इसमें बचा 1, 10, 10 हो जाएगा तो 6 एकम 6, 4 0, 40, 40 हुआ तो 6 6 के 36, 6 6 के 36, फिर ये 40, 6 हो गया 40 यानी कि 6 6 के 36, तो ये हो जाएगा 1.166। उसी तरह पर हम अगले वाले को देखें, ये है हमारा 7/9, इसको हम अगर दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 7/9 से कम है तो ये हो जाएगा 0.0, ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा तो हाँ 9 7 63, फिर से ये 70 हो जाएगा, फिर 9 7 63, 9 7 63 ये हो जाएगा 0.777। ये तीसरा हमारा है 4/5, 4/5 को अगर ये बदलेंगे तो ये 4 हमारा 5 से कम हो गया तो 0.0, ये 40 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8। उसके बाद आखिरी वाला हमारा है 5/7, 5/7, तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो 5 कम है 7 से हो गया 0.0, ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो 7 7 49, 1 0, 10 बचा, 10 हुआ तो ये हमारा एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 30, 30 हो गया तो ये 4 बार जाएगा, 7 4 28, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे इसमें से कम कौन सा हो जाएगा, ये हमारा है 0.77, ये हमारा है 0.71, तो ये हमारा जो है सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 5/7, तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।